इस्तीफा वापस लेने के बाद शरद पवार ने फिर से पार्टी प्रमुख के रूप में काम शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में एनसीपी सुप्रीमो ने राज्य के पंढरपुर में एक बैठक की और इस दौरान उन्होंने कहा उनकी बेटी और सांसद सुप्रिया सुले एनसीपी अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालने को फिलहाल तैयार नहीं है। वो साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव पर फोकस करना चाहती हैं। आपको बता दें कि शरद पवार ने बीते 2 मई को अचानक एक सभा में एनसीपी प्रमुख के पद से इस्तीफा देने की बात कहकर सबको चौंका दिया। हालांकि 3 दिन बाद पार्टी कार्यकर्ताओं के दबाव में उन्होंने अपना इस्तीफा वापस ले लिया था। पंढरपुर में शरद पवार ने यह भी कहा कि सुप्रिया सुले बेस्ट सांसद के सम्मान से उन्हें नवाजा गया। सुप्रिया सुले का बचाव करते हुए शरद पवार ने कहा वो भविष्य में पार्टी प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी संभाल सकती हैं, फिलहाल वो इसके लिए तैयार नहीं। सुप्रिया सुले के अलावा प्रफुल्ल पटेल और जयंत पाटिल का नाम भी एनसीपी के अध्यक्ष के रेस में शामिल था। शरद पवार ने कहा कि महा विकास अघाड़ी के तीनों दल बहुत जल्द एक साथ बैठक करेंगे, जिसमें नासिक, कोल्हापुर और पुणे की वज्रमुठ सभाओं की तारीख और कार्यक्रम तय किए जाएंगे। आगामी लोकसभा चुनाव में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को लेकर शरद पवार ने अपनी बात कही है। शरद पवार ने स्पष्ट किया कि आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर भी एमवीए के नेता आपस में बैठकर चर्चा करेंगे। ये मीटिंग शरद पवार के 10 मई को मुंबई लौटने के बाद कभी भी हो सकती है। शरद पवार ने कहा कि लोकसभा चुनाव के लिए रणनीति बनाकर उस पर काम करना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये इलेक्शन विधानसभा चुनाव से पहले होगा। शरद पवार ने कहा कि मोदी सरकार किसान विरोधी सरकार है। इस सरकार ने प्याज और शक्कर के निर्यात पर रोक लगाई, जिससे किसान बदहाल है। शरद पवार ने कहा कि केंद्र सरकार ने हमेशा ऐसे फैसले किए जो किसानों के लिए नुकसानदेह हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों का प्रदर्शन जारी है। इसी बीच बीते दिन पंजाब से बड़ी संख्या में पहलवानों के समर्थन में किसान जंतर मंतर पहुंच गए। हालांकि इस दौरान किसानों ने प्रदर्शन तक पहुंचने के लिए पुलिस के लगाए गए बैरिकेड्स तक को तोड़ दिया, जिसके बाद ऐसी घटना दोबारा न हो इसके लिए पुलिस की ओर से पुख्ता बंदोबस्त कर लिया गया था। बता दें कि धरना स्थल तक समर्थकों को जबरन जाने से रोकने के लिए पुलिस ने बैरिकेड्स की फील्डिंग कर दी थी, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। आपको बता दें कि दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों ने पिछले कई दिनों से ब्रिजभूषण सिंह की गिरफ्तारी को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी का समर्थन करने के लिए सोमवार को बड़ी संख्या में किसान जंतर मंतर पहुंचे थे। इस दौरान धरना स्थल तक पहुंचने के लिए किसानों ने दिल्ली पुलिस के लगाए गए बैरिकेड्स तक को हटा दिया। इस दौरान किसान और पुलिस के बीच खींचतान की खबर भी सामने आई। हालांकि बावजूद इसके किसान इन बैरिकेड्स पर चढ़कर पहलवानों का समर्थन करने के लिए उनके प्रदर्शन में पहुंचे, वहीं मामले का वीडियो वायरल होने के बाद घटना पर पुलिस अधिकारी का बयान भी सामने आया। मामले में पुलिस का कहना था कि ये घटना तब हुई जब किसान धरना स्थल पर पहुंचने की जल्दी में थे। किसानों को प्रदर्शन स्थल तक ले जाने के लिए अवरोधक हटा दिए गए थे और इसके बाद बैठक शांतिपूर्ण तरीके से हुई। प्रदर्शनकारियों के साथ कोई झड़प नहीं हुई है और स्थल पर पुलिस प्रदर्शनकारियों को सुविधा प्रदान करने और शांतिपूर्ण सभा सुनिश्चित करने का काम किया गया है। बता दें, ये जानकारी देते हुए दिल्ली पुलिस की ओर से फर्जी वीडियो शेयर नहीं करने की भी अपील की गई है। वहीं इस मामले में पहलवानों के प्रदर्शन को लेकर मामले में पुलिस का आगे कहना था कि जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारियों को सुविधा दी जा रही है, सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए डीएफएमडी के माध्यम से प्रदेश को विनियमित किया जा रहा है, कृपया शांतिपूर्ण रहें और कानून का पालन करें। बता दें कि पहलवान पिछले 23 अप्रैल से जंतर मंतर पर धरने पर बैठे हैं और भारतीय कुश्ती महासंघ के प्रमुख के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। फिलहाल पहलवानों के आरोप के आधार पर मामले में ब्रिजभूषण सिंह के खिलाफ 2 मामले दर्ज किए गए हैं। फिलहाल मामले में आगे क्या कार्रवाई होती है ये देखना होगा। प्रियंका गांधी ने सोमवार को तेलंगाना में कांग्रेस की युवा संघर्ष रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने अपनी दादी स्वर्गीय इंदिरा गांधी का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि लोग उन्हें नई इंदिरा अम्मा कहते हैं। जब वे ऐसा कहते हैं तो उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी का एहसास होता है। ये दिखाता है कि आज भी उनकी यादों में इंदिरा है। इस दौरान प्रियंका गांधी ने सोनिया गांधी का भी जिक्र किया। प्रियंका ने कहा कि आपने उन्हें सोनिया अम्मा कहा, उनकी बेटी हैं। सोनिया की उनके प्रदेश को बनाने में कितनी बड़ी भूमिका रही है, वो भी लोगों के लिए आजीवन समर्पित रही। यहाँ पे जब मुझे कहते हैं कि मैं इंदिरा अम्मा जैसी एक नई इंदिरा अम्मा हूँ, ये हल्की बात नहीं है बहनों और भाइयों, ये हल्की बात नहीं है। जब आप ऐसे कहते हैं तो मुझे अपनी जिम्मेदारी का एहसास होता है, क्योंकि आप उस महिला को याद कर रहे हैं जो 40 साल से पहले ही गुजर चुकी है, शहीद हो गई देश के लिए 1984 में। आज हम 2023 में हैं, लेकिन आप उनको श्रद्धा के साथ, श्रद्धा पूर्वक
प्रेम के साथ याद कर रहे हैं और आप अभी भी आशा रख रहे हैं कि उनकी तरह कोई आपकी मदद करे, क्योंकि वो एक ईमानदार नेता थी, अपने देश के लिए समर्पित थी और आपके भविष्य के लिए समर्पित थी। तो जब आप ऐसा कहते हैं तो मेरे मन में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का एहसास होता है कि आपके सामने खड़े होकर मैं ना झूठे वादे कर सकती हूँ, ना झूठी बातें बता सकती हूँ, और आपके सामने जब मैं खड़ी होती हूँ तो ईमानदारी से मैं सच बोलना चाहती हूँ और मैं यही कहना चाहती हूँ जिसमें आपकी भलाई है। इसीलिए आपने सोनिया अम्मा का नाम भी लिया और आपको मालूम है कि आपके प्रदेश को बनाने में उनकी भूमिका बहुत रही। मैं उनकी बेटी हूँ, यहाँ अगर आपके सामने खड़ी हूँ तो मैं समझती हूँ कि ये निर्णय उन्होंने पूरी जिम्मेदारी से लिया और वे भी आपके लिए आजीवन समर्पित रही। प्रियंका गांधी वाड्रा ने तेलंगाना विधानसभा चुनाव से करीब 6 महीने पहले प्रदेश की जनता से आह्वान किया कि वो एक ऐसी सरकार चुने जो उनके हित में काम करे। प्रियंका गांधी ने बीआरएस सरकार पर युवाओं की अनदेखी करने का आरोप लगाया और कहा शायद उनको लगता है कि ये प्रदेश उनकी नई जागीर है और वो इसके जागीरदार है। सरकार में 2 लाख नौकरियां खाली है लेकिन वो भी भरी नहीं गई। बताते चले कि तेलंगाना में इस साल के आखिर में विधानसभा के चुनाव है। प्रदेश की 2014 में स्थापना हुई, इसके बाद से ही यहां के चंद्रशेखर राव के नेतृत्व में बीआरएस सत्तारूढ़ में। मैं भी कांग्रेस की सरकार के द्वारा पीड़ित हूँ, मेरे ऊपर भी खूब जुल्म हुए हैं, जेल के भीतर मुझे प्रताड़ित किया गया, मुझ पर भी फिल्म बननी चाहिए। ये बयान है भोपाल से सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का। दरअसल इन दिनों देश भर में फिल्म द केरल स्टोरी को लेकर बड़ी बहस चल रही है। कई राज्यों ने इस फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया, बीजेपी और हिंदू धर्मवादी संगठनों ने इसे आतंकवाद और लव जिहाद से जोड़ दिया है और इसी बीच भोपाल की सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ने भी इस फिल्म पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने द केरल स्टोरी फिल्म को टैक्स फ्री करने पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को धन्यवाद कहा और लेकिन इसके बाद उन्होंने खुद पर फिल्म बनाने की भी बात कह दी और कहा कि मुझ पर भी फिल्म बननी चाहिए। कई बड़े डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और फिल्म राइटर मुझसे संपर्क कर चुके हैं क्योंकि मैं भी कांग्रेस की सरकार के द्वारा पीड़ित हूं, मेरे ऊपर भी खूब जुल्म हुए, जेल के भीतर मुझे प्रताड़ित किया गया है। जैसे ही साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का ये बयान आया, कांग्रेस की तरफ से प्रतिक्रिया भी आ गई कि कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने कहा साध्वी प्रज्ञा पर फिल्म तो जरूर बननी चाहिए। सुनिए, करना है तो एक आध पिक्चर बेरोजगारों पे, किसानों पे, इस पे बनवा ले तो अच्छा रहेगा। वो कह रहे लव जिहाद, धर्मांतरण, ऐसी इनका काम यही बचा है, जब जब चुनाव आएगा यही बात करेंगे। ठाकुर कह रहे हैं कि मेरे पे भी फिल्म बननी चाहिए, जल्दी बनवा दीजिए, उन पे बने तो फिर मैं कहूंगा कि जनता की राय को उसमें लेके शामिल करके कराना चाहिए, जो चरित्र है वो भी सामने आ जाए। कह रही कांग्रेस सरकार और मेरे ऊपर बहुत अत्याचार हुए, कई डायरेक्टर मिल चुके हैं। हमने कभी कुछ नहीं करा, संविधान का काम करा और आगे भी संविधानिक ही काम करेंगे। आपको बताते चले कि जब से ये फिल्म रिलीज हुई है सुर्खियों में बनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर बीजेपी के कई दिग्गज नेता इस फिल्म का समर्थन कर चुके हैं जबकि कांग्रेस और विपक्ष इस फिल्म का विरोध कर रहे हैं। इतना ही नहीं, इस फिल्म पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में भी एक याचिका दायर की गई लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद इस फिल्म पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। हालांकि सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म में कुल 10 कट लगाए हैं और कुछ डायलॉग्स भी इस फिल्म से हटा दिए गए लेकिन साध्वी प्रज्ञा का बयान सुर्खियों में है क्योंकि उन्होंने खुद पर फिल्म बनाने की बात कह दी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने पॉक्सो के तहत दोषी ठहराए गए एक व्यक्ति को पिछले हफ्ते बरी कर दिया। मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस अनुजा प्रभुदेशाई ने कहा है कि सिर्फ अकल दाढ़ का न होना रेप पीड़ित की उम्र साबित करने के लिए पुख्ता सबूत नहीं है। कोर्ट मेहरबान हसन बाबू खान की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। मेहरबान हसन पर शादी का झांसा देकर विक्टिम से शारीरिक संबंध बनाने का आरोप लगाया गया था। लड़की के वकीलों के मुताबिक विक्टिम 19 दिसंबर 2000 को पैदा हुई थी। उसने 25 मार्च 2016 को आरोपी को बताया था कि वह प्रेग्नेंट है। मेहरबान हसन ने कहा था कि वह लड़की से शादी करेगा लेकिन वह उसे इग्नोर करता रहा। परेशान होकर विक्टिम ने शिकायत दर्ज कराई जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया था। इस मामले पीड़ित की उम्र का आकलन करने के लिए डेंटिस्ट की मदद ली गई। डेंटिस्ट ने क्लिनिकली और रेडियोग्राफी दोनों तरीके से जाँच की गई। अपनी रिपोर्ट में डेंटिस्ट ने कहा था उन्हें पीड़ित की अकल दाढ़ यानी तीसरी दाढ़ नहीं मिली थी। इस आधार पर उन्होंने पीड़िता की उम्र लगभग 15 से 17 साल बताई थी। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले की स्पेशल कोर्ट ने 18 दिसंबर 2019 को डेंटिस्ट की गवाही पर भरोसा करते हुए बाबू खान को दोषी ठहराया था। हालांकि दोबारा सुनवाई के समय जब डेंटिस्ट की रिपोर्ट को क्रॉस टेस्ट किया गया तो उन्होंने ये कबूला कि 18 साल की उम्र के बाद किसी भी समय अकल दाढ़ निकल सकती है। जस्टिस प्रभुदेसाई ने चिकित्सा न्याय शस्त्र किताब का जिक्र करते हुए कहा है कि
दूसरी दाढ़ 12 से 14 साल के बीच निकलती है, जबकि अकल दाढ़ 17 से 25 साल के बीच निकलती है। अकल दाढ़ का निकलना ज्यादा से ज्यादा ये संकेत दे सकता है कि शख्स की उम्र 17 साल या उससे ज्यादा है, जबकि अकल दाढ़ का ना निकलना या ना होना ये साबित नहीं करता कि व्यक्ति की उम्र 18 साल से कम है। जस्टिस प्रभु देसाई ने कहा है कि अभियोजन पक्ष ने पीड़ित की उम्र साबित करने के लिए गवाहों की जांच नहीं की, इसलिए सजा को रद्द करते हुए बाबू खान को बरी किया जाता है।